और खबर की तह तक में आपका स्वागत है। रायसेन में आज दिवंगत कलेक्टर अरविंद दुबे ने कार्यभार ग्रहण किया और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। रायसेन में आज दिवंगत कलेक्टर अरविंद दुबे ने आज सुबह 10:30 बजे पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद दिवंगत कलेक्टर अरविंद दुबे ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके एवं कोई भी गरीब व्यक्ति सरकार की किसी योजना से वंचित ना रह सके, इसका प्रयास किया जाए। मैंने आज ही कलेक्टर रायसेन के रूप में कार्यभार संभाला है और जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उनका मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। आने वाले समय में जो ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, इसके अलावा जो हमको तैयारियाँ करनी है कोरोना के बारे में वो तैयारियाँ करेंगे। और जो रायसेन ज़िले जिनके लिए रायसेन ज़िले में हमेशा चुनौतियाँ रहती हैं, जैसे उपार्जन सबसे ज़्यादा रायसेन में होता है, अभी तक बहुत अच्छा काम हुआ है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो काम हुआ है, पहली प्राथमिकता किसको है? देखिए, प्राथमिकता का निर्धारण शासन तय करता है और शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को हम रायसेन ज़िले में बड़े अच्छी तरह से उसका क्रियान्वयन करेंगे।